शिवसेना द्वारा जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत पिसोरा में पेंशन एवं समस्त निर्माण कार्यों की भौतिक जांच सत्यापन हेतु अन्य एजेंसी से जांच टीम गठित कर जांच कराए जाने की मांग को लेकर शिवसेना जिला अध्यक्ष ठाकुर सिंह गहलोत जी के नेतृत्व में स्थान वीरगनी चौक जांचगीर में चक्का जाम किया गया, जिसमें ग्राम पिसोदा के महिला शिवसेना पदाधिकारी सहित महिला शिव सैनिक ग्राम जन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। चक्का जाम पर तहसीलदार महोदय जांचगीर के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया। चक्का जाम के लोगों में आए हैं प्रशासन, हमसे हमारे पहुंचने से पहले प्रशासनिक अधिकारी यहां पे मौजूद थे और उनके द्वारा लगातार हम लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि आप चक्का जाम ना करें, आपकी जो भी मांगे हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और उनके द्वारा आज ये आश्वासन दिया गया है कि 19 तारीख को जाँच टीम गठित कर जाँच किया जाएगा, गाँव में जाकर दल जाकर वहाँ पर जाँच करेंगे। अगर 19 तारीख को जाके ये लोग जांच टीम जाकर वहाँ पे जांच नहीं करती है तो इसके बाद हम लोग और आंदोलन करेंगे, ऐसे हमारी और प्रशासनिक अधिकारी जो थे तहसीलदार साहब उनके बीच में चर्चा हुई है। क्या मामला के लिए आप चक्काजाम कर रहे थे? यहाँ पे जो ग्राम पंचायत पिसौद में जो शौचालय का प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर लगातार जो महिलाएँ हैं वो आज 3 महीने से चक्कर काट रही हैं। वो एक बार धरना बलौदा में दिए, दूसरा धरना इन्होंने जांजगीर में दिए, उसके बाद लगातार 2 बार 3 बार और भी ज्ञापन दिए। अभी हम फिर ज्ञापन सौंपे थे कि 13 तारीख तक की जांच टीम गठित करके जांच किया जाए और अगर 13 तारीख तक जांच नहीं करते हैं तो 16 को हमारे द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। हम प्रशासन को लगातार अपनी मांगों को बता रहे हैं किंतु शासन प्रशासन के लोगों को समझ से परे है कि किस कारण से जांच से लोग बचना चाह रहे हैं या क्यों जांच नहीं करना चाह रहे हैं। कभी कभी यह हमको लगता है कि प्रशासन के बीच में मिलीभगत है और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर नहीं होना देना चाहते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो भी बात हो, कौन अपात्र कौन पात्र, इसकी एक जांच टीम गठित किया जाए और उसकी जांच की जाए। जितने भी ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हुए हैं सभी का भौतिक सत्यापन किया जाए, क्योंकि जितने भी कार्य कागज में हुए हैं धरातल में कोई काम नहीं है। यहाँ पे 1-1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपया का तो केवल बोरिंग की मरम्मत की बात किया जाता है, जबकि उतना बोरिंग नहीं है वहाँ पे। ये लोग 3-4 बोरिंग खरीदे हैं, एक बोरिंग का 1.5 लाख रुपये में बोर खरीदने का ये लोग पैसा बता रहे हैं। तो जो जहाँ पे बोरिंग नहीं है जहाँ पे बोर खोदने का ये लोग बात कर रहे हैं, नाली की बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नाली है नहीं, नाली का पैसा निकाले खा गए हैं, कहीं चबूतरा का पैसा खा गए हैं, कहीं सड़क का पैसा खा गए हैं। तो जो कागज में ये लोग पैसा खाए हैं उसकी भौतिक सत्यापन किया जाए और वो टीम जाए और जाकर वहाँ पे जांच करे कि कहाँ पे नाली बना, कहाँ पे सड़क बना, किसका मकान बना, किसका शौचालय बना, किसको पेंशन मिला कि किसको नहीं मिला, कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसकी जांच टीम जाए और जाकर जो हितग्राही हैं उनसे बयान ले और बयान लेके उनका बयान दर्ज करें। और बयान दर्ज करने के बाद जो अगर गलत पाते हैं जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है।